फिर से यहाँ पर देखिए नज़ारा जो है, देखिए यह है पहाड़, वहाँ सूरज है और ये कोहरा भी चल रहा है साथ में, और एकदम सुंदरबन डेल्टा की तरह नज़ारा है यहाँ पर। और फिसलन भी काफ़ी है, मैं 2-3 बार फिसलते फिसलते बचा हूँ और मैं पीछे रह गया हूँ, तो मैं चलता हूँ आगे को। ये देखिए यहाँ शायद से माउंटेन गोट रहती होगी, क्योंकि ऐसी ऊंची चढ़ाई है तो यहाँ ऐसी चीज़ें को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो एकदम खड़ी चढ़ाइयों पर निवास करते हैं इनका। ये देखो वो है हमारे मित्र, वो कुत्ते के साथ बैठे हैं वहाँ पर, जूम मार के दिख रहे हैं हल्के से। ये है देखो गांव, वहाँ कोहरा छाया हुआ है जिससे कि हल्का सा दिख रहा है एकदम। उतने दूर से आए हैं हम, कम से कम 10 किलोमीटर दूर है, और नज़ारा बिल्कुल एकदम छाया हुआ है बादल। और मैं तो चलते ही जा रहा हूँ आराम आराम से, फिर भी थकान भी लगी जा रही है, तो क्या करें। ये देखो गांव का नज़ारा जो है यहाँ से दिख रहा है एकदम, हम टॉप पे पहुँच चुके हैं लगभग लगभग, थोड़ा सा और बचा है ये, कम से कम 100 मीटर कहूँगा मैं इसको, या 50 मीटर है ये, 50 मीटर और रहा है तो उसके बाद से हम पहुँच जाएंगे। ये काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है बच्चों की लाइफ का जो मेरे साथ आ रहे हैं, मैं तो यहाँ आते रहता हूँ, 2-2 दिन में आते रहता हूँ मैं यहाँ। बच्चे जो हैं ये देखो, बच्चे हमें हिदायत दे रहे हैं कि आप आराम से आइए, जबकि मेरा यहाँ रोज़ का काम है। ये देखो आप यहाँ पर अर्जुन फाइटिंग प्लेनेट की देख सकते हैं पावर। ये हमारे साथ डॉग भी आया है, इसको हम गाइड कह सकते हैं हल्का सा, क्योंकि गाइड तो मैं ही कर रहा हूँ इन बच्चों को। ये 2 बच्चे हैं, इनको यहाँ गांव का नज़ारा दिखाना था टॉप से। ये देखो यहाँ देखो गोड ने यहाँ पर जो भी करा है हम इसको नहीं बताएंगे। ये देखो यहाँ से जो गांव के घर दिख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये देखो ये कम से कम 1 किलोमीटर की दूराई पे है, क्योंकि इतनी चढ़ाई में हम नीचे पूरा ध्यान दे रहे, ये डर रहे हैं कि चाचा आराम से कर। वो देखो हाँ सामने हमारे ये वाला टॉप है, और ये लगभग इसी के बराबर ऊंचा है, क्योंकि हम इतना और रहा है अभी। ये यहाँ से देखो नज़ारा जो एकदम सुंदरी रमणीय फेबुलस जिसको बोले, ऑसम। तुम इसको बंद कर दे रहा, एक बात बोल रहा हूँ। ये कह रहे हैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहते हैं, रुक जाओ फिर मैं इसको जब तक पॉज कर लेता हूँ।